वेलकम बैक टू, मैं हूँ आपका अपना राज भाई, और आज आपके सामने होंडा सीवी 200X मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, आपको एक एक करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगाया गया है। आइए अब सबसे पहले फ्रंट से दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले इसके अंदर लगाया हमने ये इसकी हेडलाइट ग्रिल, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग वाली है। ये आपकी होती है इसी गाड़ी की होंडा सीवी 200X की, जो कि लुक देख लो, लुक काफ़ी ज़बरदस्त आती है इसे लगने के बाद। और वैसा इससे पूरी हेडलाइट होती है आपकी सेफ, फुल सेफ्टी वाली फीचर जो इसके अंदर लगा दिए गए। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा, भैया सारा तो कवर कर दिया, रोशनी कैसे निकलेगी? तो बताया तो उन लोगों के लिए कि इसमें इतनी कुछ खास रोशनी होती भी नहीं है, जितनी होती है इसमें से निकल जाती है बाहर जो भी होती है इसके अंदर। बाकी इसके लिए एडिशनल लगाएंगे इसका फॉग लैंप। ये देखिए, ये एडिशनल फॉग लैंप है जो किसके अंदर लगा देंगे आपके, एक इधर है एक इधर है, इधर मिनी ड्राइव है, इधर आपके सिंगल फीचर है, दोनों की रोशनी दिखाऊंगा आपको एक साथ अलग अलग करके। ये देखिए, ये आपको मिलती है पहले नीचे, जो कि आपको हो गया वाइट, ये आपका हो गया रेड, फिर आपका हो गया इसके अंदर येलो, फिर येलो वाइट, फिर आपका हो गया ब्लिंकर। ये आपकी 5 फीचर वाली, इसे कहते हैं 5 फीचर नॉट फ्यूचर, 5 फीचर वाली ये है मिनी ड्राइव, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है प्रॉपर तरीके से, जितने अच्छे जो ओरिजिनल होती है, कोई डुप्लीकेट कोई लोकल हम यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर। और साथ में आपको ऊपर दिखाऊंगा आपको, ये है इसकी सिंगल फ्यूचर आई। ये देखिए, ये इसका हो गया येलो, ये इसका हो गया वाइट, तो इसके बाद क्लैम देख लो प्रॉपर फिटमेंट वाले हैं, जो कि आपको देखने मिल जाएंगे इसके अंदर, इधर भी सेम नीचे वाले में भी, तो ये होते हैं प्रॉपर फिटमेंट जो क्लैम से होते हैं। अब आपको दिखा दो नीचे, नीचे आएंगे तो दिखाएंगे आपको ये शॉकर प्रोटेक्शन, जिससे आपके शॉकर, आपका मरगार्ड, आपकी डिस्प्ले सब करते हैं सेफ। यूएसजी शॉकर तो बहुत महंगे पार्ट होता है, अगर जो ज़रा सा भी इसके अंदर कुछ लगा ना तो समझ लो निशान रहता है, लीकेज होना शुरू हो जाएगा, फिर बहुत महंगा पार्ट होता है डालना, तो इसलिए ये सेफ्टी वाले लगा देगा इसके अंदर। साथ में इसमें लगाएं फॉक्स रेडर, जैसे नीचे का पोर्शन सेफ, और ये आपको मिलता है गोल्डन कुछ शॉकर की मैचिंग के साथ, ये मिलता है टाइटेनियम ग्रे, जो कि आपको देखने मिल जाता है कुछ इस तरीके से, सेम इधर सेम मिलेगा आपको, उस तरफ दोनों तरफ देखने मिलेगी आपको। और इसके बाद दिखाऊंगा इसके अंदर फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जो कि लगा दिया गया इसके अंदर, ये होता है फुल्ली सेफ्टी वाला फीचर जो इसके अंदर लगा दिया गया है। इससे आपका वाइजर, आपका टैंक, आपके TPFC, आपके खुद के लैग्स, ये होते हैं इसके अंदर फुल्ली प्रोटेक्ट, पूरी तरह से प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन चीज़ है जो इसके अंदर लगा दी गई है। जब भी गाड़ी गिरती है तो आपके सब कुछ हो जाएगा सेफ, और ये स्लाइडर्स होते हैं जो इसे पूरी तरीके से और सेफ कर देते हैं। साथ में इसमें दिखाऊंगा हॉर्न, देखिए इसमें हॉर्न भी लगाया गया है D95 हॉर्न, जो कि इसके अंदर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और अब दिखाता हूँ आपको मोबाइल होल्डर विद GPS माउंट, ये है GPS माउंट जो इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। साथ में मिलेगा आपको सिमटेक ओरिजिनल वाटरप्रूफ वाला मोबाइल होल्डर, और इधर आपको मिलेगा BA मोटो माइल्स का मोबाइल होल्डर, ये भैया ने पहले लगाया था, बट अब भैया ने कहा मेरा ऊपर लगा दो, तो इसको हटाया नहीं, क्योंकि पहले लगा रखा था, इसलिए अब ये लगाया है। तो आप इसी भी लुक चेकआउट कर लो, क्या ज़बरदस्त आ रही है लगने के बाद, मोबाइल लगा कर कहीं भी आप GPS ऑन करके निकल जाए किसी भी राइड पर। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर है ये इसकी मास्टर अंडरकैप, जो कि ये भी टाइटन ग्रे वाली है, देख सकते हैं CNC कटिंग के अंदर आपके, और ये है रिजोमा ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर लगा दी, लुक भी नहीं है, साथ में सेफ भी होता है इसका पूरा मास्टर सेंटर। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके ब्रेक एक्सटेंडर, ये ब्रेक एक्सटेंडर है, क्योंकि जब भी आप राइड करते हो तो इसमें छोटा तो होता है पैर स्किड्स होने का खतरा होता है, बट अब ये लग गया है तो पैर स्किड्स होने का खतरा हो गया बिल्कुल खत्म। और देख सकते हो पूरा प्रॉपर फिटिंग वाला कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, फुल्ली सेफ्टी रहते इसमें लगा दिया गया है। इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसके फुटरेस्ट, जो कि बैक साइड में फिट कर दिए गए प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं ये होते हैं आपके MS के अंदर, सेम इधर मिलेगा, सेम आपको मिलेगा देखने को इस तरफ, दोनों तरफ लगा देंगे इससे, अब लेडीज़ बैठे जेंट्स बैठे, किसी को परेशानी होने वाली है नहीं इसे लगाने के बाद। और इसके बाद दिखाऊंगा इसके अंदर टॉप रैक, जो ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा, टॉप रैक लगाने का जो बेसिक यूज़ होता है, कभी भी आप राइड करनी हो, कुछ भी करना हो, तो आप सिंपली इसके अंदर बैग रख सकते हो, और कोई ज़्यादा लंबी राइड करनी है तो आप टॉप बॉक्स वगैरह भी इसके अंदर लगवा सकते हो, साइड में सैडल स्टिल लगा के सैडल बैग भी इसके अंदर लगा सकते हो इजीली। इधर आपको देखने मिलेगा टायर, अगर जो कि आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये होता है इंपोर्टेड वाला, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, इससे आपका समझ लो डस्ट जो होती है ना आगे, वो सारी करता है कंट्रोल। साथ में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जिससे अगर राइड करते हो और नाइट में भी ना इजीली पता लग जाए कि आपकी कोई बाइक आगे जा रही है। एक ये देखो, एक इसके अंदर नई चीज़ लगाई है, ब्रेक लाइट ही देखो, वैसे मिलेगी नहीं मेरे पास, लास्ट पीस था ये, कहीं कोई मुझे मांग लो तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि है नहीं, खत्म, लास्ट पीस था। तो ये इसके अंदर लगाया गया है, जो कि अभी लगाया मैंने, लुक देखो क्या ज़बरदस्त आ रही है इसकी ब्रेक लाइट की। और इसमें नीचे भी लाइट्स होती है, नीचे ऊपर दोनों तरफ लाइट है इसके अंदर, दोनों तरफ लाइट होती है इसके अंदर, देख सकते हैं आप, तो बहुत ही हैवी चीज़ है इसके अंदर लगाया है। और साथ में कुशनिंग वाला कवर, ये भी इसके अंदर कर दिया गया है, जो कि फुल था फुल्ली वाटर प्रूफ। और अब इसके बाद दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। साथ में गियर शॉक, मतलब इसके अंदर ना ऑल अबाउट अब कुछ नहीं बचे, ये है दुनिया की मोस्ट लोडेड। बाकी इसमें चाहो तो बस सिर्फ दो चीज़ कमी है, सैडल बैग और सैडल स्टे और टॉप बॉक्स, बस ये हो गई फुल्ली टूरिंग वाली बाइक। और ये बाइक जिन भैया की है उनसे मैं लाना चाहूँगा, तो हेलो भैया,
कैसे हैं सर आप? और आपको जब भी आप आते हो कुछ ना नया करवाते हो, आज आपने क्या नया करा, कितना अच्छा लगा आपको आज भी और पहले? आज जो है मैंने ये टॉप रैक लगवाया है, प्लस इसमें आगे फॉग प्रोटेक्शन लगवाई है, प्लस आज भी कम से कम इसमें नाना करते हुए 7-8 आइटम इसमें लगाई है, क्योंकि भैया क्या है, भैया कहते हैं मेरे को जब जो चीज़ मिलेगी मैं तब वो चीज़ लगाऊँ, तो भैया काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे ये लाओ वो लाओ, मैंने कहा सारे कुछ लगवा लो, आज सारा कुछ है, कुछ इनके कुछ अपने पसंद से आज सारी कंप्लीट हो गई है, आज मेरी कंप्लीट हो गई है। और भैया ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड होते हो? मैं जब भी आता हूँ सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल, तभी मैं बार बार यहाँ आता हूँ, सेटिस्फाइड तभी बार बार आते हैं। और ये बताएं कि जैसे बहुत से लोगों ने धंधा बना लिया फालतू का, नेगेटिविटी फैलाने का, उन लोगों के लिए क्या आपके लिए वो रहेगा कि भैया रियल फेक, फेक रियल, व्हाट इज दिस, क्या नॉनसेंस? देखो एक्सपीरियंस जो होता है वो रियल बंदे को ही होगा, एक्सपीरियंस वाला जिसको है, जो इतने टाइम से मार्केट में बैठा है वही सही काम कर सकता है। कोई अगर फेक बंदा होगा उसके पास एक बार जाओगे दो बार जाओगे दोबारा कभी नहीं जाओगे, इसलिए कभी भी आओ एक्सपीरियंस बंदे पे आओ और हमेशा अच्छा काम मिलेगा। तो सब कुछ भैया ने बता दिया, इनका कहने का मतलब अब मैं समझा देता हूँ, इनका कहने का तात्पर्य यह था कि भैया 1.5 से 2 साल से मेरे पास आ रहे हैं, एक्सपीरियंस हमारा अगर ख़राब होता, बैड एक्सपीरियंस के साथ होता तो ये दोबारा नहीं आते, ठीक है ना? तो एक्सपीरियंस उन्होंने देख ही लिया, अब जब भी आते हैं कुछ ना कुछ इसका नया करवाते हैं। और मुझे 25 ईयर हो गए काम करते हुए, जो कि फुल नॉलेज है मुझे खुद को, मुझे ये नहीं कि लड़के मेरे अनट्रेंड है, लड़के भी मेरे ट्रेंड हैं और मैं भी वैसे ट्रेंड हूँ। और 3 साल से हूँ करोलबाग के अंदर, करो सबसे पुरानी शॉप मेरी है जो कि अभी इसी नाम से है, हो सकता है अगर इन फ्यूचर कुछ मुझे लगा तो मैं इसके जो कन्फ्यूजन सारा ख़त्म करने का कोशिश करूँगा, कि अपने नाम से ही एक, वैसे तो मेरी फैमिली नेम है जो मैंने रखा हुआ था, बट क्या ना कन्फ्यूजन साला हो जाते हैं साथ में फेक आईडी और नेम से आ जाते हैं। तो इसीलिए कुछ अपग्रेड देखें क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी वीडियो चले हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, राजू भाई एसकेडी को लोकेशन एक बार चेकआउट कर लो, यहाँ की सामने मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति, दिस इज अ रियल शॉप इज हेयर, क्योंकि उधर हनुमान जी की मूर्ति देख लिया आप, देख लो इधर हनुमान जी की मूर्ति, ये हनुमान जी की मूर्ति मेरे, मैं 25 साल से जहाँ भी मैंने शॉप खोली है, मतलब 15 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमेशा हर जगह आपको मिलेगी, जहाँ ये मिलेगी वहाँ समझ लो वही राजू भाई की शॉप होगी, साथ में राजू भाई का नाम होगा, वही रियल होगा, वही रियल एसकेडी होगा, ठीक है ना? तो अब समझ गए आप, आपको करना क्या, सीधा देखना हनुमान जी की मूर्ति इधर उधर, और आना है राजू भाई, अपना जो भी काम है वो आप करा सकते हो राजू भाई के पास आकर। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना राजू भाई एसकेडी को, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर, जब तक दर्शन करते हैं, गुड बाय।